पर अभी तक काफी सारे राजनीतिक इंटरव्यू देखे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के। हमने पुष्कर धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, उनके भी आपको इंटरव्यू दिखाए। लेकिन एक खास मोटिवेशनल स्टोरी जो अक्सर करके डिमांड आती थी, हमारे पास कमेंट आती थी कि सर आप इस विषय पर भी जो है वो कहीं ना कहीं आप हमें अपडेट कीजिए। तो मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि लगातार वो, मैं पीसीआर से कहूँगा कि विजुअल्स चलाते रहें स्क्रीन पर। किस तरह से एक जो मेरे कैमरे के सामने इस वक्त मौजूद शख्सियत हैं, उन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप करा, किस तरह से चलाया और कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, और ये बहुत खास होने वाली उन युवाओं के लिए जो डिग्री हासिल करने के बाद या किसी न किसी कोर्स की डिग्री हासिल करने के बाद जो है कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं जब जॉब नहीं मिलती। या एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मोदी जी ने कहा था कि भाई अगर कोई अगर नौकरी नहीं मिल रही तो पकोड़े ही तलिए। उनका सेंस ये नहीं था कि पकोड़े ही तलने, कोई भी बिजनेस करो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज आपको एक ऐसी स्टोरी पर लेकर आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, छोटे को कैसे बड़ा किया जाता है। तो सीधा चलते हैं इस स्टोरी पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आपका पूरा परिचय मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम व्यूअर्स को मिले, आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मीचंद कश्यप है। अच्छा सर, आप ही के नाम से ये आप होटल चला रहे हैं और तमाम जो है ये जी आप ही के नाम से, मैंने देखा क्योंकि लक्ष्मी प्लेस लिखा हुआ था। हाँ नहीं, नाम मेरा लक्ष्मीचंद कश्यप है। एक्चुअली लक्ष्मी हमारे हिंदू धर्म में एक माता को भी कहा जाता है, लक्ष्मी देवी भी है, तो उसी में नाम डलते डलते भी लक्ष्मी के नाम से ही डलने लगा। तो हमने दो तीन बिजनेस हमने लक्ष्मी के नाम से शुरू करे। सर मैं चाहूंगा कि शुरुआत से बात की जाए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं शुरू में और कैसे बिजनेस आइडियोलॉजी आई या आपको विरासत में सारा एम्पायर मिला था, कैसे हुआ ये शुरुआत, वो शुरुआत से बात करेंगे सर। अच्छा अच्छा बिजनेस तो एक्चुअली हम लोग पहले से खेती किसानी वाले लोग रहे हैं। अच्छा, फार्मर थे सर? फार्मर थे, पिताजी फार्मर हैं, थे, अभी तो नहीं है, अभी तो सर्वास हो गया। धीरे धीरे दिखाना। तो जैसे अपनी किसानी में पैदावार होती थी वो अपने लोकल बनिए को लोकल दुकानदारों को बेचते थे अपना कोई भी खेती का सामान। कब की बात है सर, कितने समय पुराना? लगा लो आप बात 83-82 के आसपास की बात है। अच्छा, होता था लगभग 40 साल पुरानी, यानी कि आपकी बिल्कुल यंग एज रही होगी। 12-12 साल के बिल्कुल टीनेजर रहे। ये टीनेजर एज से ही सर बिजनेस का थॉट आ जाना, क्योंकि वो तो सर अक्सर करके बच्चे खेल में और तमाम चीजों में दूसरी एक्टिविटी में, लेकिन आप बिजनेस की तरफ मोटिवेट थे। ये मेरा बाकी भाई लोग तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बिजी थे। अच्छा, मेरा थोड़ा बिजनेस में था। अच्छा, मैं पढ़ाई लिखाई में कम रुचि लेता था। अच्छा मेरे को लगता नहीं था सभी एक ही लाइन में जाए। अच्छा सर, अच्छा फिर मुझे बताइए आप, मतलब फ्रेंकली कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आपने पढ़ाई लिखाई में क्या डिग्री हासिल की है। डिग्री मैं भी नॉन मैट्रिक हूँ। अच्छा, और डिग्री हासिल नहीं कर पाया था। अच्छा, कुछ टाइम सरकारी सर्विस भी की है, उसमें मुझे लगा कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी यहाँ पे। अच्छा, कुछ इतना मेरा है नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा कि सर्विस के दौरान सरकारी सर्विस करने में ठीक नहीं है। अच्छा देख, एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, अभी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि कोई भी डिग्री नहीं है, कामयाब होने के लिए डिग्री नहीं, जज्बा चाहिए। उसी जज्बे को आप तक पहुँचाने के लिए हम पहुँचे लक्ष्मी जी तक, और पूरी बातचीत जब आपके सामने पूरी वीडियो होगी आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की नहीं। और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि बहुत सिंपल सादे तरीके से, और आपकी इसी तरह से हमें जानकारी भी मिली, वैसे ही पाया जैसी जानकारी मिली तो इतने सिंपल स्वभाव के आप। अच्छा लक्ष्मी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसके बाद फिर आपका जहन बना कि कुछ बिजनेस करना चाहिए, पहला बिजनेस आपने क्या किया था और फिर उसके बाद फिर क्या शुरुआत की? पहला बिजनेस मैंने जैसे बताया कि हम लोग सर्विस के दौरान सर्विस नहीं चल पाई, कर नहीं पाए, तो हमने जैसे मेटल घर का जो पैदावार होती थी उसको आसपास के दुकानदारों में भेजा। अच्छा, बाहर के मार्केट में भेजा, व्यापार टाइप का शुरू किया। अच्छा, अच्छा थोड़ा सा पैसा मिला, कहीं कहीं से नुकसान हुआ। अच्छा, नुकसान होते पूरा कैसे होगा, उसी बिजनेस से पूरा होगा, करते 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 फिर बिजनेस में आ गए। अच्छा सर, प्रॉपर तरीके से आपने एक नुकसान की बात कही, यहाँ पे मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा, एक सवाल भी करना चाहूंगा आपसे कि ये भी होता है जब कोई बिजनेस के, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, बिजनेस में नुकसान हो जाता है और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार इसमें तो चल नहीं पाया, उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख गवा दिए, फिर टूट गए, कर्जा पानी करा। और सर इस वजह से एक मैं आपको और बताऊं, हमारे भारत का इस तरह के जो छोटे मोटे बिजनेस के अंदर जो टूट जाते हैं लोग, उसका डेथ रेशियो लगभग 22,000 हर साल है। 22 से 25 हजार लोग हर साल अपने छोटे मोटे बिजनेस को टूटने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। हम
एक्चुअली उसी सुसाइड अटेम्प्ट को रोकने के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी आपसे चाहते हैं सर। तो कौन सा दौर ऐसा रहा जब आप बहुत ज़्यादा टूट गए हों, आप अकेले बैठे हों, उस टाइम पर आपका जहन परेशान हो कि यार मैंने शायद गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया, फिर कहाँ से हिम्मत आई, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं, जैसे जैसे हमने कई सारे बिजनेस करे, लगभग सभी में पहली बार तो नुकसान ही हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने विचार ये किया, नुकसान ही अगर ऐसा हो गया तो क्यों हुआ, उसमें विचार किया बैठ करके। उसको ऐसा नहीं कि मार्केट में मार्केटिंग करते गए मुझे ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, उसमें हमने उसमें वो नहीं किया। अच्छा। मतलब समय खराब नहीं किया, शब्दों में कहा तो उसका ज्यादा रोना गाना नहीं, उसका ज्यादा रोना गाना नहीं गाया, उसका ज्यादा प्रचार नहीं करा, उसका ये देखा नुकसान ऐसा हुआ, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, आगे के लिए इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, उस सुधार करने की नीयत से उस पर चले हैं। और गलती से अगर गलत आदमी भी संबंध में आया, ऐसा होता है जब हम कारोबार बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो अच्छे लोग चुनिंदा लोग बाद में मिलेंगे, पहले दूसरे वाले पहले आ जाते हैं, तब तक उनकी पोल पट्टी खुले, वो तब तक शुरू में आकर के अपना काम कर जाते हैं, नुकसान पहुंचा जाते हैं नए बिजनेस वाले को। तो उससे क्या करना है कि उनके आगे के लिए उनसे बचना है, उनसे किनारा भी रखना है, और हमारा नए लोग जो अच्छे लोग हैं उनको खोना नहीं है। जो रोना गाना हो गया, एक बार जो नुकसान हो गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका वो करना है, मतलब एनालिसिस करना है, विचार करना है, उसे बचना है, उस तरह करते करते। कितनी पूंजी थी, आज आपका मैं देख रहा हूँ एक शानदार होटल है और इसको प्रॉपर तरीके से आप तमाम मापदंडों से चला भी रहे हैं, और भी इसी तरह के आप और भी बिजनेस कर रहे हैं, कई सारे बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, तो सर उस टाइम कितनी पूंजी थी इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए या कुछ और? पूंजी तो ये मान लो कि जीरो से शुरू हुआ हुआ है, ऐसा तो नहीं था कि 10-20 लाख रुपया नुकसान के बाद और भी टूटा हुआ। हाँ, 10-20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया होगा। हाँ, इतना की हेल्प एक दूसरे से ली होगी, मार्केट से ली होगी। अच्छा, ली है, बैंक से ली है। अच्छा, बैंकों का भी थोड़ा सा रोल रहा अच्छा हमारे साथ में। अच्छा, लेन देन थोड़ा सा साफ सुथरा रखा है, जैसे आजकल तो सिविल होने लग गई है, उस जमाने सिविल नहीं होती थी, आसपास के बैंक एक दूसरे का परसेप्शन से ही सिर्फ हाँ उसका परसेप्शन अच्छा है, तो उसको बैंक उसे सपोर्ट करता रहा। अच्छा, आपने बैंक को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा, कहीं लैप्स नहीं आने, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट रखा। अच्छा सर, मैंने जैसे कि अभी एक सवाल किया था कि अक्सर लोग बाग छोटे छोटे बिजनेस के अंदर जब टूट जाते हैं, और फिर मैंने आपको बताया 22,000 से 25,000 सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं हर साल, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो आज डिग्री लेकर दर दर धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फैमिली से टॉर्चर है, उधर शादी भी करनी है उनको, और बहुत सारी चीजें, बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप भी सर उस युवावस्था में रहे होंगे। बिल्कुल 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 रहे। क्या सर एक्सपीरियंस शेयर करना? सबसे बड़ी बात तो यह है, कभी भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, अच्छे परिवार है, भाई है, बच्चे है, जिसकी जिम्मेवारी हमारे पर पड़ती है, मदर फादर है, जिम्मेवारी उठाते हुए अपने जिम्मेवारी से कभी नहीं भागना चाहिए, जिम्मेवारी तो लेनी लेनी चाहिए। दूसरे, अगर कहीं नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हमने कैसे पूरा करना है, उसमें से उसके सोर्सेज ढूंढने हैं, उसमें चांस ढूंढना है। मतलब एक चीज होती है, जैसे कोई घटना घट गई, उसे घटना भी कह सकते हैं, एक परिवर्तन की चांस भी होता है, परिवर्तन भी जब भी आएगा, जो पुराने पत्ते टूटेंगे जब भी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। ऐसा नहीं कि हम पुराने, और अक्सर वही पेड़, वही पौधा अक्सर उभरेगा, वही बड़ा होगा जो बिना छाए का जिएगा। जो बीज पेड़ के नीचे गिरता है, किसी बड़े वृक्ष के नीचे पेड़ गिरता है, वो कोई पनपता नहीं है। अच्छा। अगर पनपता भी है तो बड़ा साफ सुथरा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। अच्छा जीवन वही आदि काट सकता है जो धूप भी काट सकता हो, बरसात भी काट सकता हो, और थोड़ी टेंशन भी ले सकता हो, कोई भी चीजें बर्दाश्त जो कर सकता है वही आगे निखर सकता है। वही पेड़ के नीचे पौधा लगा लो, वही पौधा पनपेगा, वो इंसान पनपेगा। बिल्कुल सर, देखिए बहुत अच्छा आपने मोटिवेशनल, आपने क्या जबरदस्त तरीके से अपने इन अल्फाजों को अदा करा है कि वाकई मैं भी इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है।